सो आई वॉज काउंटडाउनिंग काउंटडाउन कर रहा था बिकॉज मुझे ना काउंटडाउन दिख रहा नहीं यहाँ पे. तो वेलकम बैक. आज के वीडियो में हम देखेंगे, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं मेरा माइक है वो थोड़ा सा, या नाउ इट्स परफेक्ट. सो लास्ट वीडियो में हमें इंट्रोडक्शन देखा, फिर बाद में हमने उसका इंस्टॉलेशन, बाद में गिट का अकाउंट एक्टिवेट किया. अभी हम देखेंगे बेसिक गिट कमांड्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये होने के बाद हम, मतलब हमने 50% से ज़्यादा काम कर लिया है एंड विल रेडी फॉर प्रैक्टिकल थिंग्स. तो इसमें हम बेसिक कमांड देखेंगे, और मैं आपको गिट बैश भी ओपन करके बताऊंगा उसमें कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये सब हम देखने वाले. बट बिफोर दैट आई विल जस्ट गो थ्रू द उसका काम क्या है. गिट इनिट का काम होता है इनिशियलाइज अ न्यू गिट रिपोजिटरी इन अ करंट डायरेक्टरी. तो अभी क्या होता है एग्जैक्टली, तो अभी मैं यहाँ पे गया, ये मेरा डेस्कटॉप वाला पेज है, मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, और डेस्कटॉप में मैंने पाइथन बोल के एक फोल्डर क्रिएट किया है. लेट्स क्रिएट वन मोर फोल्डर कॉल्ड फर्स्ट, फर्स्ट नाम देते उसको, और इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया. एंड जस्ट एंटर इनटू द फोल्डर एंड क्रिएट वन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड पाइथन, पाइथन बेसिक. ओके, और उस पाइथन बेसिक में हम कुछ, लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन. उस नोटपैड ओपन करते हैं एंड जस्ट वंस राइट सम लाइक पाइथन, पाइथन इज एन सुपर एन ओपन सोर्स, ओपन ओपन सोर्स लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज का स्पेलिंग गलत हो रहा है, लैंग्वेज. और इसको हम लिखेंगे, और बस इतना ही, एक लिख के मैं इसको सेव कर देता हूँ. एंड नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना गिट बैश वाला जो है ना वो टर्मिनल ओपन करेंगे. तो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे ओपन विद नॉट 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 नॉट, इसको ओपन विद गिट बैश करना होता है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, गिट बैश को ही कॉल करेगी, लेट्स कॉल गिट बैश. और ये हो गया गिट बैश कॉल, बट ये एक्चुअल में उस फोल्डर में कॉल नहीं हुआ है. इफ यू सी ना, ये फोल्डर थोड़ा सा बाहर है, तो हमें उस डायरेक्टरी में जाना है. तो हम क्या करेंगे, सीडी, और इसका जो पाथ है लेट्स कॉल, अब ये पाथ, यहां से पाथ कैसे लेंगे, कॉपी द पाथ, विल जस्ट गो ओवर देयर, आई जस्ट पेस्ट, ऐसे करना है आपको. आई डोंट नो अब ये जाएगा नहीं जाएगा, लेट्स ट्राई दिस वन. पाइथन बेसिक में नहीं जाना है एक्चुअल में, बस ये फर्स्ट जाना है. सो एंड रिमूव दिस वन, ट्राई दिस वन, नो सच डायरेक्टली बोल रहे हो तो आई डोंट नो क्या मिस्टेक किया, पता नहीं इसने. सी डॉट तो बराबर तो डाला था यार, फर्स्ट में आना चाहिए था. No. Let's cut this thing and go to the Python and we'll do one more thing. यहाँ पे ओपन हो सकता है क्या ना, ओपन विथ ओपन आता है, ओपन आता है एक्चुअली, वो आ रहा नहीं है. लेट मी यू शो मी सम मोर नाउ. हाँ अभी यहाँ पे जाना है एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस. ओके एंड ओके सॉरी, शो मी मोर ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, गिट बैश नहीं दिख रहा है. सो यू नीड टू गो इन पाइथन एंड नाउ शो सम मोर एंड यू कैन सी हियर गिट बैश हियर. तो आपको इस पे क्लिक करना है, तो जस्ट वेट. हाँ तो आप देख पा रहे हो, इन हम इस फोल्डर में आ चुके हैं नाउ. अभी हम उस फोल्डर में हैं, तो आई जस्ट गिट इनिट, जो हम इनिशियलाइज करते हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे. तो इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, वो लोकेशन बोल रहा है आपको कौन से लोकेशन पे हुआ. तो अब अभी फिलहाल मास्टर में है, तो मास्टर में ही रहेंगे, और हम कौन से कहाँ पे, हम डेस्कटॉप के पाइथन के फर्स्ट में, मतलब इसमें आ चुके हैं.
नाउ इफ आई गो इनसाइड, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, पर ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे. नाउ विल गो एंड वॉच अवर सेकंड स्टेप क्या था हमारा, तो हमें ऐड करना है. तो ऐड क्या है, गिट ऐड, ऐड चेंज, एड्स चेंजेस टू द स्टेजिंग एरिया विच प्रिपेयर देम टू बी कमिटेड टू द रिपोजिटरी. इसका मीनिंग क्या होता है, मैं इसको ना अभी आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, बट गिव मी अ शॉर्ट टाइम कि मैं आपको समझा पाऊँ. बस गिव मी जस्ट अ मिनट, क्या बोलना है एग्जैक्टली, इसका क्या काम है वो आपको बताता हूँ मैं. गिट ऐड एड्स अ फाइल ऑन अ स्टेजिंग एरिया एंड प्रिपेयर इट फॉर कमिट. तो अभी मैंने बोला ना, ये क्या करता है, जो जो फाइल्स है, जैसे कि अभी हमारे पास फिलहाल तो इसमें आपको पाइथन बेसिक एक टेक्स्ट फाइल दिख रहा है, बट मैंने बोला आपको जैसे कि फ्यूचर में बहुत सारा फाइल हो सकता है, लॉट्स ऑन लॉट फाइल. एक HTML का फाइल हो सकता है, पाइथन का फाइल हो सकता है, देन VS कोड का कुछ कोड हो सकता है, सोर्स कोड हो सकता है, app.py हो सकता है, PHP का कुछ फाइल होता है, बैकएंड का कुछ फाइल होता है, कुछ भी हो सकता है, लॉट्स ऑफ फाइल्स. तो आपको वो क्या दिखाएगा, कितने कितने फाइल्स है और उस फाइल्स का नाम बताएगा. तो लेट्स ट्राई इट ऐड करना है और स्पेस देके आपको डॉट देना है. डॉट देने से क्या होता है, वो सब जितने भी आपके इस फोल्डर में फाइल्स है उसको सबको कॉल करने का काम करता है. बट अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, वेट, उसने कर लिया है नहीं कर लिया है हम चेक करेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज कि गिट कमिट करना है. तो कमिट यानी क्या करते हैं हम, लेट्स ट्राई गिट कमिट. और उससे पहले ना मुझे कुछ चीजें आपको बतानी थी, क्या क्या काम करता है वो देखेंगे. ये मतलब ये तो चीज हमें देखनी देखनी है, ये हम करने वाले हैं. लेकिन जो मेन काम था जो कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, कमिट का काम क्या है, रिकॉर्ड चेंजेस टू द रिपोजिटरी एंड क्रिएट अ न्यू कमिट ऑब्जेक्ट विथ मैसेज डिस्क्राइब द फाइल. सबसे पहले गिट इनिट क्या करता है, एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करता है. गिट ऐड स्पेस डॉट देना होता है, तो वो क्या करता है, सब फाइल को प्रिपेयर करता है. प्रिपेयर फॉर व्हाट, की कमिट करने के लिए. गिट कमिट क्या होता है, गिट कमिट में हम क्या करते हैं, कमिट कमिट्स द चेंजेस टू द रिपोजिटरी विद डिस्क्रिप्टिव मैसेज. तो ये क्या करता है पता है क्या, उस जितने भी फाइल्स है वो फाइल को आप जैसे फोल्डर को नाम देते हैं ना कि ये फर्स्ट वाला फोल्डर है, ये पाइथन वाला प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम है, या ये कुछ प्राइवेसी वाला फोल्डर है, या कुछ होता है, तो हम उसको नाम देते हैं, कुछ नाम हर एक फोल्डर को देते हैं. उसी तरह से इसको भी नाम देना होता है कि वो जब आपके गिट के जब फोल्डर में आप देखोगे, गिट हब में जाके आप वहां पे देखोगे, तो उसको कुछ तो भी नाम चाहिए कि दिस इज द हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, या मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम आना चाहिए, या कुछ मैसेज देना स्पेसिफिकली. तो आप क्या करते हो, गिट कमिट और एक एम बोल के, एम यानी मैसेज दे रहे हम, तो लाइक गिट कमिट. यहाँ पे गिट कमिट का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, कमिट, इसमें कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये एरर दे देगा और आपको वही लाइन रिपीट करनी होगी. और विथ मतलब आप जो लिख रहे हो उसको तरह से लिखना होगा. जैसे कि अभी ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्या ये मेरा पाइथन का, क्या पाइथन बेसिक है, तो इसको मैंने पाइथन बेसिक नाम दे दूंगा इसको, और मैं इसको डाल दूंगा. नाउ यू कैन सी कि उसने मुझे क्या क्या पूछा, ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु यू आर, मतलब कौन हो तुम. तो सबसे पहले हमें हमारा ऑथर ले ही नहीं रहा है, ये ऑथर क्या बोल रहा है कि ऑथर अलग है और वो ऑथर अलग है. टू सेट योर अकाउंट डिफॉल्ट आइडेंटिटी और ये कुछ चीजें हैं, तो आपको ये ऑटो डिटेक्ट या ईमेल एड्रेस से फेच करना होगा. आपका ईमेल एड्रेस और ये जो इसमें डाला हुआ है वो ईमेल एड्रेस मैच होना चाहिए, तो वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है. तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये चीजें मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूंगा. नॉट बिकॉज कि मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, द रीजन इज हमारा जो चीजें हमें वो सीखनी है वो रह जाएगी, तो वो पहले हम क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या इनका मीनिंग है. गिट पुश क्या करता है, अपलोड लोकल कमिट्स टू द रिमोट रिपोजिटरी. जैसे कि हमने लोकल कमिट क्या होता है, जो कि हमारा यहाँ पे फोल्डर है, जैसे कि मैंने पाइथन में कुछ मेरा टेक्स्ट फाइल बनाया वो लोकल कमिट है, लोकल लोकल फाइल्स है, और वो रिमोट रिपोजिटरी यानी
गिटहब पे जो वर्चुअल मशीन है जो कि मुझे दिख रहा नहीं है, लोकल मशीन यानी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या कुछ भी हो, चीजें हो सकती है जहां पे आपकी स्टोर है फाइल, हार्डवेयर आपको दिख रहा, मतलब जो फाइल आपको दिख रही है यहाँ पे फिजिकली उसका एक अपीयरेंस है यहाँ पे, ओके आपके लोकल कमिट में, तो वो क्या करता है अपलोड करने का, पुश यानी धकलना, पुश कर रहा है वो आपके लोकल लोकल इसमें से उस पे पुश कर रहा है रिमोट रिपोजिटरी पे मतलब गिटहब पे। तो ये आपको लगेगा कि ये पुश कर रहा है तो आपकी फाइल ना निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपकी फाइल लोकल लोकल कमिट पे मतलब लोकल मशीन पे भी रहती है और वहां पे भी रहती है जो कि कोई भी हैंडल कर सकता है, लेकिन लोकल पे कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है, उसका रीजन है, इसलिए तो हम गिट यूज कर रहे हैं कि आपके मैं आपके कंप्यूटर में जाके कुछ फाइल्स नहीं कर सकता वो हैंडल, लेकिन आपको आपने वहां पे रिपोजिटरी पे डाल दी तो ढेर सारे लोग देख सकते हैं ग्लोबली, तो वही काम यहाँ पे गिट का काम होता है। ओके फिर ये गिट पुश का काम वही है क्या, वो आपका जो फाइल्स है यहाँ से लेके वहां तक ढकलने का काम करता है, यहाँ पे वहां से अपलोड करने का काम करता है। ओके गिट पुल क्या करता है, डाउनलोड द चेंजेस फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरी एंड मर्ज देम इनटू लोकल रिपोजिटरी। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, बट बिफोर दैट मैं ये जो पुल है पुल का काम क्या होता है, तो हमने पुश देख लिया, पुल इज फेच चेंजेस फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी एंड मर्ज देम इनटू द करंट ब्रांचेस। तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, चेंजेस जो भी करते हैं हम तो उसको फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी मतलब जो रिमोट रिपोजिटरी में है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लाइक मैंने कुछ चेंजेस किए, एक बंदा है जिसने कुछ बनाया है और दूसरे बंदे ने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो वो क्या करता है उसको मर्ज करने का काम करता है और उसको वापस से उसी ब्रांच में अपलोड करने का, करंट ब्रांच में अपलोड करने का काम कर रहा है। समझ में आ गया, एक तो बंदा डाउनलोड करेगा पहले उसमें कुछ चेंजेस करेगा और उसको वापस से मर्ज कर देगा उसी उसी लोकल लोकल रिपोजिटरी से, दैट्स वर्क ऑफ गिट पुल एंड क्लोन। मैंने वापस पहले ही बोल दिया है, डाउनलोड करता है उसको कॉपी करके रिमोट रिपोजिटरी में डाउनलोड करता है और सेटअप एज अ लोकल वर्किंग कॉपी, एग्जैक्टली जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना वही काम क्लोन का होता है, गिट क्लोन का, वो एक्चुअल में आपको कॉपी करके देता है जो आपके रिपोजिटरी जो रिमोट पे है, लाइक किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन या किसी ने कुछ प्रोजेक्ट बना के डाला है गिट पे और वो आपको चाहिए तो आपने वहां से डाउनलोड कर लिया, तो दैट्स इट, वो डाउनलोड यानी क्या हो गया आपने क्लोन वो कॉपी कर लिया और आप वो यूज कर रहे हो या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो अगला पार्ट है, लेकिन क्लोनिंग इज डाउनलोडिंग एंड कॉपिंग दैट फाइल। ओके तो इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं, वहां पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, लेकिन कॉपी करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम गिट क्लोन डालेंगे और उसका यूआरएल देंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड इनटू योर लोकल रिपोजिटरी या लोकल मशीन में जहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें थी, ये गिट इनिशिएट क्या करता है, इनिशिएटिंग द न्यू रिपोजिटरी, गिट ऐड क्या करता है जितनी भी फाइल है वो फोल्डर में वो रेडी करता है टू कमिट। ओके कमिट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, कमिट, कमिट क्या करता है, कमिट इज टू उसमें कमिटमेंट मतलब क्या होता है, वो चेंज करता है रिपोजिटरी एंड क्रिएट टू न्यू कमिट ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या करता है एग्जैक्टली आपका फोल्डर उस पाथ पे ढकलने के लिए रेडी करता है और उससे पहले उसको मैसेज देता है कि ये फोल्डर ये प्रोग्राम इसी इसी काम के लिए मैंने लिखा है, गिट पुश पुश करने का काम करता है फ्रॉम लोकल रिपोजिटरी टू रिमोट रिपोजिटरी। गिट पुल वही रिपोजिटरी आपने जो पुश किए उसको डाउनलोड करना है और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो काम करने के लिए हम गिट पुल यूज करते हैं। गिट क्लोन इज फॉर कॉपिंग दैट डेटा, किसी ने बना के रखा है उसको कॉपी करने के लिए, लेकिन पुलिंग में क्या होता है मर्जिंग ऑल्सो होता है, क्लोन में कॉपी करने का काम करता है, दैट्स इट। ये हमने बेसिक चीजें इसमें सीखी है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ब्रांचिंग का पार्ट बचा है और कुछ मर्जिंग का पार्ट बचा है तो वो चीजें सीखेंगे। और आपको लग रहा है कि हमने फिजिकली अभी भी कुछ फिजिकली यानी प्रैक्टिकली कुछ भी काम नहीं किया, तो 100% में ये जो जितनी चीजें हमने यहाँ पे देखी है वो एक एक चीजें हम करके देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट या लास्ट वीडियो में वो हम चीजें देख लेंगे। तो यू आर फुल्ली प्रिपेयर फॉर योर गिट इंटरव्यू और जो डेटा साइंस डेटा एनालिसिस और डेटा इंजीनियरिंग के लिए जब आप काम करते हो या किसी भी एमएनसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो बड़े, तो आपको ये जरूरत है, तो आपने ये सीख ली तो यू कैन ऐड इन योर योर रिज्यूमे एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।